हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो बेटा, आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़। और बेटा, यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स कवरेज करेंगे ही करेंगे। और बेटा, ये जो सेशन है ये बिल्कुल वैलिड है 2023-24 के लिए। अभी बेटा, मैं अप्रैल में ही 23 में इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बाबू, हमने चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो बेटा करना तो चैप्टर 2 है, पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन बेटा, चैप्टर 1 के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं उतना इंट्रोडक्शन दूंगा जितना चैप्टर 2 आपको समझ में आ जाए। एज सच बेटा, ये मत सोचना कि 12th का पूरा सिलेबस सीक्वेंस से ही चलना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा, मैं चैप्टर 1 का उतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जितने में आपको चैप्टर 2 समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो पोस्ट करूं। अब डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ और बड़ा आराम से खत्म कर लेंगे। तो बेटा, चैप्टर 1 का नाम है बेटा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा, सबसे पहला हमारा काम उठ जाता है कि हम बेटा मैनेजमेंट का मतलब ही जान ले। बेटा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन मैनेजमेंट की अलग है और मॉडर्न डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनली हम मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करते थे, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। बेटा, मैं आपसे पूछूं मैनेजर का काम क्या होता है, तो शायद आप में से सब लोग बता सकते हैं। मैनेजर का काम होता है दूसरों से काम निकलवाना। तो बेटा, मैनेजमेंट भी यही है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दूसरों से काम निकलवाने की कला को ही मैनेजमेंट बोला जाता है। बेटा, ये ट्रेडिशनली बोला जाता था, मॉडर्न डे में बेटा थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर डाल दिया गया। क्या है मॉडर्न डे की डेफिनेशन? बेटा, आज भी मैनेजमेंट दूसरों से काम निकलवाने की ही कला है, लेकिन बेटा ऐड किए गए ये जो काम निकलवाने दूसरों से, ये बेटा एफिशिएंटली निकलवाना है एज वेल एज बेटा इफेक्टिवली निकलवाना है। बाबू, ये दो वर्ड क्या होते हैं? बेटा, बीइंग एफिशिएंट होना मतलब विद इन द कॉस्ट काम को पूरा करना, और बेटा बीइंग इफेक्टिव होना मतलब विद इन द टाइम काम को पूरा करना। बाबू, अगर इन दोनों में से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो हम मानेंगे मैनेजमेंट इज नॉट देयर। मैनेजमेंट के लिए बेटा ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होनी चाहिए। एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। बाबू, एम्प्लॉइज को टास्क दिया गया कि आपको 5,000 यूनिट बनानी है विद इन 30 डेज, और आप 1,50,000 तक का एक्सपेंस कर सकते हो। एम्प्लॉइज ने बेटा क्या किया, 15 डेज में ये यूनिट तैयार कर दी। एक महीना भी नहीं लिया, 15 दिन में ही तैयार कर दी। लेकिन बेटा लगने वाले पैसे 1.5 लाख की जगह 2 लाख लगा दिए। बाबू, यहाँ पर ना एम्प्लॉइज आर नॉट बीइंग एफिशिएंट। एफिशिएंट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि विद इन द कॉस्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ। और मैं बोलूं बेटा, एम्प्लॉइज ने क्या किया, बाबू टारगेट तो अचीव कर दिया सिर्फ 1 लाख रुपए लगा कर ही, लेकिन बेटा जो लगने वाला टाइम था वो 40 दिन ले लिया। बाबू, तो एम्प्लॉय यहाँ पर सिर्फ एफिशिएंट है, विद इन द कॉस्ट काम को कर पाए। दे आर नॉट बीइंग इफेक्टिव, क्योंकि बेटा टाइम पीरियड 30 डेज मिला था और 40 डेज लगा दी। तो बेटा, मैं बोल नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर कि मैनेजमेंट कहीं पर भी प्रेजेंट था। मैनेजमेंट वहीं प्रेजेंट माना जाएगा जहां ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी। एक छोटे से कंसेप्ट का मैंने जिक्र करा मैनेजमेंट के, इसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ। बेटा, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स बोलते हैं हम इनको। सबसे पहले बेटा टॉप लेवल, देन मिडल लेवल, देन लोअर लेवल, देन बेटा जीरो लेवल। और बेटा जीरो लेवल पे जो आते हैं उन्हें बोलते हैं वर्कर्स या एम्प्लॉयज। बेटा, टॉप लेवल क्या होता है? अभी खैर मैं इतना डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उतनी बात बता रहा हूँ जब चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाए। बेटा, टॉप लेवल आपने सुना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे तगड़े लोग जो हैं, जो सबसे माइंडेड लोग हैं, ये लोग बेटा लेवल पे काम करते हैं, है ना। ये हस्तियां ही बड़ी बड़ी हैं, इनके नाम सुने होंगे आपने, जस्ट लाइक CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जस्ट लाइक MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, जस्ट लाइक CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सब बेटा काम करते हैं टॉप लेवल पर। तो बाबू मिडिल लेवल पे कौन काम करता है? बेटा मिडिल लेवल पे काम करते हैं सारे मैनेजर्स एक्सेप्ट टू, दो मैनेजर छोड़ दो, बाकी आप जितने मैनेजर के नाम जानते हो बेटा सब मिडिल लेवल पे ले जाओ। मैं बात करूँ परचेस मैनेजर की, प्रोडक्शन मैनेजर की, सेल्स मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर की, ये सब मैनेजर, सब, किसी और का भी मैं नाम बोल रहा हूँ, सब सब के सब मैनेजर बेटा मिडल लेवल पे काम करते हैं, सिर्फ दो छोड़ दो। बेटा एक जीएम, जीएम बोलूँ तो बेटा जनरल मैनेजर, बेटा जनरल मैनेजर कौन होता है? जिसको सब मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं। अगर ये सारे मैनेजर किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा ये इन सब मैनेजर से बड़े लेवल पर होगा। और पर्सन आता है बेटा फर्स्ट लाइन मैनेजर, बाबू लोअर लेवल पे काम करता है फर्स्ट लाइन मैनेजर। मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखता हूँ बेटा, किसका लाइन में नंबर फर्स्ट है, इसलिए बेटा इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर बोला जा रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा सारे मैनेजर मिडल लेवल पे काम करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी लिस्ट बता दी आपको, टॉप लेवल की, मिडल लेवल की। अगर इसके अलावा कोई नाम आ जाए तो बेटा याद रखना वो सब कहाँ पर आते हैं बेटा, लोअर लेवल। मैं बोलूँ बेटा सुपरवाइजर, मैं बोलूँ बेटा आपको फॉरमैन, मैं बोलूँ बेटा आपको इंस्पेक्टर, बाबू ये सारी की सारी पोस्ट लोअर लेवल की हैं। इसके अलावा भी कोई नाम आ सकता है। एक आखिरी बात लेवल के ऊपर बेटा, लेवल का डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है, कोई भी ये ना सोचे कि मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकते ऐसे बेटा? क्योंकि ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कि किस में कितनी स्ट्रेंथ हो सकती, किस लेवल पे कितने लोग काम कर सकते हैं। टॉप लेवल का ट्रायंगल सबसे छोटा है, जो इंडिकेट करता है कि बेटा टॉप लेवल पे सबसे लोग काम करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टॉप लेवल पे मैक्सिमम सिर्फ 12 ही % हो सकते हैं। मिडल लेवल का ट्रायंगल और बड़ा है, जो इंडिकेट करता है कि टॉप लेवल से ज़्यादा लोग काम करते होंगे, और बेटा 20, 25, 30 मैनेजर तक भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। और बेटा लोअर लेवल का ट्रायंगल और बड़ा है, जो इंडिकेट करता है कि बेटा लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग और ज़्यादा होते हैं। बाबू एम्प्लॉय का कोई ट्रायंगल नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये ट्रायंगल बहुत बड़ा होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर लाखों में भी हैं। इन्फोसिस में बेटा 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। जोमेटो में बेटा 1,38,000, 1,38,000 लोग काम करते हैं। तो बेटा वर्कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा कई हजारों में हो सकते हैं, और बेटा कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कई लाखों तक जा सकते हैं। तो ये था बेटा लेवल का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी सी बात करता हूँ बेटा चैप्टर टू की, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा वो चैप्टर टू से रिलेटेड ही आएगी। बाबू जो चैप्टर टू है इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा आप सबने ना अपनी क्लास 9th और क्लास 10th में ना प्रिंसिपल ऑफ साइंस पढ़े हैं, तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंस थोड़ी सी सिमिलैरिटीज रखते हैं, और बेटा थोड़े से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। अगर मैं बात करूँ सिमिलैरिटी की, तो बेटा चाहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है चाहे प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ओवर द नाइट कोई प्रिंसिपल नहीं बन जाता, एक रात में कोई प्रिंसिपल। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ साइंस देने वाले लोग ने अपनी जिंदगी पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, कितनी टेस्टिंग की हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन, कितनी फाइंडिंग्स लगाई हैं, तब जाकर प्रिंसिपल दिए हैं। सेम वे बेटा अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो बेटा ओवर द नाइट एक रात में प्रिंसिपल ये भी नहीं बने। बहुत सारे टेस्टिंग के बाद, सारी के बाद, बहुत सारे बेटा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बाबू ये प्रिंसिपल डराइव हुए हैं, ठीक है ना। अपनी जिंदगी में जो भी इंसान प्रिंसिपल दे रहे हैं ना बेटा, जो लोग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस के प्रिंसिपल दिए हैं, बाल इस लेंथ के या बेटा बिल्कुल गंजे, या तो बेटा टाइम ही नहीं लगा बाल कटाने का, या बेटा जिंदगी में इतनी टेंशन ली कि बाल कभी उग गई नहीं। तो बाबू सेम वे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिन में नहीं बने बेटा, बहुत सालों की मेहनत है। सबसे पहली बात, मैं एक डिफरेंस की बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। बाबू
के किसी कोने में चले जाओ, अगर मुझे एक प्रिंसिपल ऑफ साइंस ये बोलता है कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करो तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो बेटा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यही रिजल्ट आएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइंस एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, बट बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा ये एग्जैक्ट क्यों नहीं देते ये एग्जैक्ट रिजल्ट? बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन बीइंग, ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। बेटा ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज पर लगाती है, टॉप लेवल अपने ऊपर खुद भी लगाता है कुछ प्रिंसिपल, कुछ बेटा मिडल लेवल अपने ऊपर प्रिंसिपल लगाते हैं, क्योंकि बेटा ये प्रिंसिपल एम्प्लॉइज पर लगते हैं, वर्कर पर लगते हैं, ह्यूमन बीइंग पर लगते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर बेटा दुनिया में हर इंसान का अलग है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें प्रोबेबल रिजल्ट की बात करते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट ये कभी नहीं दे सकते। सिंपल सी बात की मैंने आपको एक सिमिलैरिटी बताई, एक डिफरेंस। बेटा सिमिलैरिटीज और डिफरेंस आपको तब समझ में आएंगे जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम सब के सब पढ़ देंगे। तो मुद्दा उठता है हमें कितने प्रिंसिपल पढ़ने हैं। बेटा दो पर्सन ने आपको प्रिंसिपल दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मेरे कोर्स में सिर्फ दो ही पर्सन के हैं। एक पर्सन हुए हैं बेटा FW टेलर, FW टेलर, और बेटा एक पर्सन हुए हैं हेनरी फ्योल। बेटा हमने इनके प्रिंसिपल पढ़ने हैं। हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं बेटा, जबकि FW टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और 7 टेक्निक्स। अगर मैं कुल मिला के देखूँ तो बेटा ये हमें 25 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। और बेटा ध्यान रखना, प्रिंसिपल में वर्डिंग इन लोगों ने दी है, ना तो आपकी इतनी ताकत ना मेरी इतनी ताकत कि मैं कुछ भी ऐड करूँ अपनी तरफ से, या आप कुछ लोग ऐड करें अपनी तरफ से। तो बाबू जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले FW टेलर के प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इनके प्रिंसिपल्स में। बेटा जब FW टेलर ने प्रिंसिपल दिए तो बेटा ये एक साइंटिस्ट टाइप पर्सन है, बहुत दिमाग रखते हैं। तो बाबू जब इन्होंने प्रिंसिपल दिए तो बेटा इनका प्रिंसिपल का बेस था टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत टेस्टिंग करी, बहुत एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे, तब जाके इन्होंने प्रिंसिपल डिराइव किए। कि बेटा फ्योल एक प्रैक्टिशनर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, बेटा इन्होंने 20 साल मैनेजर की पोस्ट पर काम किया, और बेटा इन्होंने जब प्रिंसिपल दिए तो बेटा ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग पर दिए। तो 20 साल एक इंसान मैनेजर है बेटा, तो उसने 20 साल तक ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। तो इनके प्रिंसिपल बेस्ड हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर और फाइंडिंग के ऊपर। तो बाबू अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे टेलर के प्रिंसिपल। हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।